మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. वेलकम टू माई YouTube चैनल वैभव एडवांस लर्निंग. वैभव एडवांस लर्निंग में आपका स्वागत है. आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करेंट. आई एम गोइंग टू डिस्कस अपॉन इलेक्ट्रिक करेंट. इलेक्ट्रिक करेंट इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक. बहुत ही सिंपल है ये, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे. हम स्टडी क्या करने वाले हैं आज, इलेक्ट्रिक करेंट. बहुत कुछ इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे. इसे पूरा वीडियो ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. अगर हमारे वीडियो से आप थोड़ा सा भी खुश होते हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें. तो इलेक्ट्रिक करेंट जो होता है, हम बताएँ, फ्लो ऑफ चार्ज. दिस इज़ नथिंग सिंपली ए फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज जो फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. जो अभी इसके पहले हमने चार्ज का बहुत ही डीपली स्टडी किया था. चार्ज इज नथिंग सिंपली ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चार्ज कुछ नहीं है, क्या है, एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी का किसी भी मैटर के अंदर. तो हम जब यही चार्ज फ्लो होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. लेकिन हम इसको डिफाइन करते कैसे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका डिफिनीशन अगर दें तो I बराबर होता क्या है, Q अपन T, यानी कि पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये बताता है करंट. एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये आपको क्या बताता है, करंट बताता है. ठीक है ना. अगर मान लीजिए, और इसका रेशियो क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है आपका क्या, एम्पियर. क्या होता है इसका यूनिट, एम्पियर. अगर आप इसको कूलाम में लें तो ये कूलाम, इसको टाइम. इसका एक यूनिट और क्या हो गया, कूलाम टी इनवर्स, या कूलाम अपॉन टाइम का क्या होता है, सेकंड. तो ये आपका कूलाम सेकंड जो है इसका एक दूसरा यूनिट होता है करंट का. ठीक है ना. तो इस प्रकार अब हम करंट होता क्या है ये हम समझ गए. ये सिंपली ये क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है. किसी भी सर्किट में जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट करते हैं. ये करंट बताता है पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज जो है क्या होता है, फ्लो होता है. तो अब हम जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे, यहाँ पे स्टडी हम करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट वास्तव में ये किस तरह की क्वांटिटी है. पहले हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल पहलू को हम ध्यान देते हैं. I बराबर क्या होता है, Q अपान T. तो यहाँ Q का डिफिनेशन हमने पढ़ा, Q बराबर N इंटू T. तो यहाँ आप क्या देखें कि I बराबर क्या होता है, N इंटू E अपान T. तो यहाँ से ये फार्मूला बनता है. ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ से अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि कोई सर्किट है जिसमें जो है 16 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस सर्किट में, इस कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ दिया जाए. ये बहुत ही छोटा है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है. इसको देखिए, I बराबर होता क्या है, N इंटू E अपान T. तो यहाँ पे N पूछ रहा है, I दिया हुआ है 16 एम्पियर, यहाँ N पूछ रहा है E कितना है, E तो आप जानते ही हैं, और यहाँ पे टाइम कितना है, 10 सेकेंड है. तो यहाँ से आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं. N बराबर क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा 160, यहाँ पे क्या होगा, 10.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा, 19 होगा. तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 160 अपॉन 1.6 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा. और यहाँ पे ये कटेंगे आपके, यहाँ पे कट जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 10 बचेगा ही. तो यहाँ 198 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 90, यानी कि 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 21 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में क्या होंगे, फ्लो होंगे. इस प्रकार अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना हो तो इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं. दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन एनी सर्किट आर एनी कंडक्टर.
देन इस प्रकार से हम इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी समझ लिया। अब थोड़ा सा हम करंट के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, करंट का वास्तव में नेचर क्या है, करंट है क्या चीज़। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए करंट सबसे पहले आप ये समझिए कि करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटीज है। कौन सा क्वांटिटीज है? एक स्केलर क्वांटिटीज है, जबकि सोचने वाली बात है। ये इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि आखिर करंट को हम स्केलर क्वांटिटीज में क्यों रखते हैं, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन हम इसको स्केलर क्वांटिटीज में क्यों रखते हैं, ये हमें सोचने वाली बात है। क्यों रखते हैं इसको? देखिए इसमें इस करंट और प्रेशर दोनों का भी सिंपल एक ही कंडीशन है कि दोनों में भी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी वो आपके स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं। तो पहले हम ये समझिए कि मैग्नीट्यूड मैंने बताया था क्या होता है, मैग्नीट्यूड इसको परिमाण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम नापते क्या है करंट को, 16 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो ये जो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो कुछ भी हम बोलते हैं यही क्या कहलाता है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, यही कहलाता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन तो जानते हैं, अगर एसी करंट है तो फेस से न्यूट्रल, और डीसी करंट है तो प्लस से माइनस फ्लो होता है, दोनों है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा रूल को यह फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटीज होता है। ठीक है ना, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वर्क नहीं करता ये, इसीलिए क्या कहलाता है, वेक्टर अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करता, इसीलिए जो है ये कौन सा है क्वांटिटीज है, ये स्केलर क्वांटिटीज है। इसी तरह से प्रेशर भी है, ठीक है ना। तो हम ये समझ गए कि करंट जो है हमेशा स्केलर क्वांटिटीज में इसीलिए आता है क्योंकि इसमें दो रूल तो फॉलो करता है लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा रूल को ये फॉलो नहीं करता है। तो इस प्रकार हम ये समझ लिए कि इसका नेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटीज के बारे में आप जानते ही हैं, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल क्या ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मास, जैसे आपसे पूछ दे कोई भैया आपका मास कितना, आपका द्रव्यमान क्या है, तो आप बता देंगे हमारा द्रव्यमान 20 केजी है, 25 केजी है, 30 केजी है। तो केवल आप मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप इसमें जो है डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। तो हमारी बात इतने में क्लियर हो जा रही है, इसीलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। लेकिन जिसमें आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएं वो आपका वेक्टर क्वांटिटीज होता है। जैसे आपका फोर्स हो गया, तो फोर्स अगर कहा जाए कि आप इसको 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, लेकिन जब तक ये ना बताया जाए कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे, तब तक आपकी बात कंप्लीट नहीं होगी। आप फोर्स के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस फोर्स को आप दाएं बाएं ऊपर नीचे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तब जा करके हमारी बातें कंप्लीट होगी। इसीलिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। आप वेक्टर क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से जो भी क्वांटिटीज मिलता है वो सब वेक्टर होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ ये समझ लिए कि करेंट एक स्केलर क्वांटिटीज है। अब हम देखते हैं करंट के टाइप्स क्या है। तो करंट के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अल्टरनेट करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेट करंट के बारे में आप जानते ही हैं, ये सब मैग्नीट्यूड हैं, ये सारे जो पॉइंट हैं, सारे पॉइंटों को मिला करके बनाया गया है, ये सब मैग्नीट्यूड हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में इनका मान कितना है, मान लीजिए 1 एम्पियर, पर्टिकुलर टाइम में मान इनका 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसे मान लीजिए ये बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसके कई मान होते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम में अगर आप वैल्यू जो ले रहे हैं ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, किसी भी टाइम में लिया गया मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और ये जो सबसे ऊपर होता है मैक्सिमम मान है ये, और फिर ये घटते घटते यहाँ जीरो वैल्यू होता है। तो हम इसी प्रकार से इसका एवरेज वैल्यू भी निकालते हैं, इसका हम RMS वैल्यू भी निकालते हैं, तो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और फिर आगे चलने के बाद डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। यही AC करंट का नेचर है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विथ टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसका परिमाण भी और दिशा दोनों भी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। एक एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका फेज है, ये आपका न्यूट्रल है, और यहाँ एक बल्ब क्या है, कनेक्ट कर दिया गया है, फेज और न्यूट्रल। ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। यहाँ आपने देखिए ये फेज जो होता है,
ये न्यूट्रल, ये सीधे जो है पॉइंट को ही दिया जाता है, इसको बोर्ड में लाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सॉकेट लगी है तो एक पॉइंट को देने के लिए हम इसको बोर्ड में लाते हैं, अगर सॉकेट नहीं है केवल सिंपली स्विच है तो हम इस न्यूट्रल को बोर्ड में नहीं लाते हैं। बहुत लोग ही समझते हैं कि सॉकेट के दो पार्ट हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक लगेगा फेज एक लगेगा न्यूट्रल। कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि पत्ती जब सटेगी तो फेज न्यूट्रल को सटा देगी और आपका सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए फेज न्यूट्रल को आपस में कभी सटाने की भूल नहीं किया जाता है, ये स्विच हमेशा फेज में ही लगता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फेज मान लीजिए कि 5 एम्पीयर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो जाएगी ना, या तो आरएमएस वैल्यू है, हम आगे बताएंगे आरएमएस वैल्यू क्या होती है। 5 एम्पीयर जो भी हम मेजर करते हैं आरएमएस वैल्यू होती है, जिसमें आप अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तब ये मैक्सिमम वैल्यू के आसपास होती है। मान लीजिए 6 एम्पीयर मैक्सिमम वैल्यू है, तो 5 एम्पीयर से मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है, 6 एम्पीयर। तो करंट का मान फेज से न्यूट्रल तो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर ऐसे इसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहेगा, तब फेज से न्यूट्रल की ओर आएगा, और फिर जब न्यूट्रल तक आ जाएगा फिर न्यूट्रल से फेज की ओर जाएगा। जिस तरह से यहाँ देखिए डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, तो हर एक टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज हो जाते रहते हैं। ये एसी करंट का क्या है, नेचर है, ठीक है ना। तो इसीलिए एसी करंट स्टोर नहीं होता है, पॉजिटिव में स्टोर होगा, नेगेटिव में ख़त्म। इसीलिए एसी को कभी स्टोर नहीं कर सकते हैं, हमें स्टोर अगर करना पड़े तो पहले इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं विथ डायोड या विथ रेक्टिफायर। जब डीसी में कन्वर्ट होगा तब हम इसको बैटरी या किसी भी चीज़ में क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका एसी करंट, ठीक। अगर हम डायरेक्ट करंट डीसी की हम बात करते हैं, तो डायरेक्ट करंट अगर ये टाइम रिस्पेक्ट, ये टाइम जो है शो कर रहा था, अगर मान लीजिए ये आपका टाइम शो कर रहा हो, तो डायरेक्ट करंट का ये बनता है आपका ग्राफ। तो प्योर, ये तो प्योर डायरेक्ट करंट का है, प्योर तो मिलता नहीं है, कुछ ना कुछ एसी के पल्स तो आ ही जाते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ आप देखिए, अगर हम आइडियल की बात करें तो ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। हम देखें इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वो इसका मैग्नीट्यूड अगर 4 एम्पीयर है, तो 4 एम्पीयर क्या हो रहा है, फिक्स होता जा रहा है, ठीक है ना। दरवाज़ा बंद कर दीजिए। इसका 4 एम्पीयर है, तो टाइम क्या है, 4 एम्पीयर फिक्स है, आप टाइम बढ़ाते चले जाएं, लेकिन ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, एकदम बिल्कुल फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर डायरेक्शन में नहीं चेंज होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा चेंज होगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों फिक्स होता है, दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है चेंज होते रहते हैं, कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मतलब टाइम बढ़ता जाएगा वैसे इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो ये है आपका एसी और ये है डीसी। अगर 4 एम्पीयर फिक्स है, लेकिन ये 5 एम्पीयर से 6 एम्पीयर भी हो रहा है, यहाँ देखिए, तो खतरनाक कौन हुआ, डेंजरस कौन हुआ, एसी हुआ। लेकिन बहुत लोग यही मानते हैं कि डीसी पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, क्योंकि पोलैरिटी फिक्स है इसलिए डीसी खतरनाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रिटेन आप कहीं देखेंगे तो एसी ही मोस्ट डेंजरस होती है डीसी के, क्यों, क्योंकि एसी की वैल्यू फ्लैक्चुएट होती रहती है, बढ़ती है घटती है, इसलिए डीसी से हमें, एसी से हमें और क्या होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमने एसी का नेचर देखा, और मतलब करंट का नेचर देखा, करंट के टाइप्स को देखे। अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसको ज़रा हम देखें, ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, ये हम कई जगह ऑब्जेक्टिव बुक्स में डिस्कस करते हुए इस चीज़ को देखे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 100 मिली एम्पीयर का करंट अगर किसी भी बॉडी में फ्लो हो जाए, 100 मिली एम्पीयर, मतलब 1 एम्पीयर से भी देखिए कितना कम एम्पीयर है, ये इतना करंट अगर किसी बॉडी में फ्लो हो जाए तो समझ लीजिए कि डेथ निश्चित है, कि इंसान को मरना ही मरना है, कोई रोक नहीं सकता। इस 100 मिली एम्पीयर का करंट इतना उसके लिए खतरनाक है। देखिए, अगर 50 मिली एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो वो आदमी जो है मूर्छा सकता है, थोड़ा सा बेहोशी आ सकती है, लेकिन वो मरेगा नहीं। अगर मान लीजिए
लेकिन अगर इन सब के अलावा 9 मिली एम्पियर करंट फ्लो रहा है तो ये मात्र 3 सेकंड के लिए ये बियर कर पाएगा, उसके बाद इसका इफेक्ट इसको प्रभावित कर देगा। तो इस प्रकार ये करंट के प्रभाव हैं जो ह्यूमन बॉडी पे पड़ते हैं। अब देखिए करंट फ्लो होने के काजेज क्या क्या हैं। मान लीजिए कि अगर आपका गैस है तो गैस में जो करंट फ्लो होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन है, ये तीनों जो हैं गैस में करंट फ्लो कराने के काजेज हैं। और अगर हम लिक्विड में देखें, लिक्विड में आपके पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन बस। अगर मेटल में देखा जाए तो मेटल में करंट फ्लो होने के कारण ओनली क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। अगर सेमीकंडक्टर में देखा जाए तो सेमीकंडक्टर में क्या हैं, होल्स हैं और फिर क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल्स की क्या होती है, 2 गुना होती है। ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है देख जानने के लिए कि दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू होल्स। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू होल्स, होल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन कंपेरिजन टू होल्स इज डबल टाइम्स, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार इक्वल टू क्या होता है, 2H होता है मोबिलिटी के फील्ड में। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक करंट किस किस तरह से फ्लो होता है, ये हमने सारी चीज़ें आपको बता दिया। देखिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का जो वेलासिटी होता है बहुत ही कम होता है, ड्रिफ्ट वेलासिटी बहुत ही कम होती है। कितनी होती है ड्रिफ्ट, मात्र 10^-3 मीटर पर सेकेंड, इतना ही ड्रिफ्ट वेलासिटी होती है। तो आप कहेंगे सर एक ही बार हम स्विच ऑन करते हैं सब एक ही बार ऑपरेट हो जाती है सारी बिजलियाँ, तो ऐसा क्यों होगा, तो क्यों इसलिए होगा कि जैसे आप ऑपरेट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है सर्किट में, इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रकाश के वेग से इस्टेब्लिश होती है और इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है, इसलिए इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करने लगते हैं और इनका परफॉर्मेंस एक्टिव हो जाता है। समझ में आ रही बात, यही इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो क्या होता है, ये टकराते हैं, किससे टकराते हैं, एटम से टकराते हैं, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी कुछ खो देते हैं और वही एनर्जी हीट एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाता है तो भी ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन ये अपनी मोशन जिग जैग मोशन रखते हैं, मतलब ये आगे बढ़े, किसी एटम से टकराए अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, फिर किसी एटम से टकराए फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर दे। इस प्रकार जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, मतलब समझ लीजिए लाइन नहीं रहती है, तो क्या होता है कि ये करंट जिग जैग मोशन करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसका नेट मोशन 0 होता है, इसीलिए हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक ऑपरेटर एक्टिव नहीं होता है। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। तो इस प्रकार हमने इलेक्ट्रिक करंट पे जितना संभव था उतने पॉइंट को हमने चर्चा किया। अगर अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और भी है जिसको मैं बता दूं, जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट एक देखिए, मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इस प्रकार से कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसमें अगर करंट का इफेक्ट देखना हो तो मान लीजिए अगर इस डिस्टेंस में हमें करंट का इफेक्ट देखना है कितना होता है, तो ये मान लीजिए पूरा आपका चार्ज है, देखिए पूरा क्या है यहाँ पे चार्ज, ठीक है। तो जो इसमें आवेश होता है, जो यहाँ पे चार्ज होता है क्यू का, इसका फार्मूला होता है NeA, NeAd, ये आपका फार्मूला है dd, ये d है, ये एरिया है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है और ये आपका ए है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सब चार्ज को हमने दिखाया है यहाँ पे, तो इसका जो चार्ज का फार्मूला होता है क्यू बराबर NeAd होता है, क्या होता है, यहाँ पे सब प्लस प्लस बना दीजिए, इसको ई बना लीजिए, आपको कोई मेंशन नहीं, हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, आप कमेंट में बताइए जो गलतियाँ होंगी हम उसको ज़रूर सुधार कर लेंगे। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है सर, इसका चार्ज का जो फार्मूला होता है NeAd होता है। तो अगर हमें यहाँ से करंट निकालना हो तो I बराबर क्या होगा, Q अपॉन T होगा,
क्या हुआ, क्यू अपान टी, तो इस क्यू का फार्मूला रख देंगे एन ई ए डी। यहाँ टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चार्ज, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है डी, स्पीड क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा, एन ई ए वी डी। वेयर वी डी इज, वी डी क्या है, वेयर वी डी इज क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये भी एक फार्मूला है जिसको जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और डिपेंडेंसी है करंट की, आप सभी लोग जानते हैं कि I बराबर होता क्या है, वी अपान आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। हम बताएंगे ओम्स लॉ आगे क्या होता है। तो आप जानिए कि मान लीजिए कि कोई इस प्रकार से कंडक्टर है, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज मान लीजिए वी है, तो इसमें जो करंट I फ्लो होती है, तो I बराबर क्या होती है, वी अपान आर। तो R का एक फार्मूला होता है रो एल बाई ए, क्या होता है रो एल बाई ए, एल क्या है कंडक्टर की लंबाई, कितना लंबा है, और ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। और वो क्या है रेसिस्टिविटी है, जो नेचर पे डिपेंड करती है, फिक्स होती है ये वैल्यू। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, तो ये ए ऊपर चला जाएगा, तो वी ए अपान क्या होगा रो एल, क्या होगा वी ए अपान रो एल। अगर हम इसका एरिया देखें तो होता क्या है पाई आर स्क्वायर, अगर हम आर के जगह पे डी बटे टू पुट करें तो होगा क्या पाई डी स्क्वायर अपान फोर। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करें एरिया का, तो हमें मिलेगा क्या वी पाई डी स्क्वायर अपान फोर रो एल। तो इस तरह से ये करंट का क्या है डिपेंडेंसी है, कि करंट किन किन चीज़ों पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो यहाँ हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट जो होता है वो क्या होता है डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस तरह से करंट का और इन चीज़ों का रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, किसी तरह से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इसको इस पॉइंट को भी जरूर नोट कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा बैक होता हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ आपको अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे जो है इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, रेसिस्टेंस। अब देखिए हम इसके आगे अब स्टडी क्या करेंगे, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है अब हम देखेंगे यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस जैसा नाम से ही क्लियर है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है कि प्रतिरोध क्या है, धारा प्रवाह में एक प्रकार का उत्पन्न हुआ अवरोध, यही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जो धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अगर ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस अगर आप देखेंगे, ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना होता है, ये होता है 1000 ओम होता है। कई कंडीशन है इसमें, बस आप इतना जानिए, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मली रेसिस्टेंस कितना होता है, 1000 ओम होता है। तो रेसिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है। इसको हम इस तरह के सिंबल से क्या करते हैं, शो कराते हैं। जब करंट फ्लो होता है तो उसके रास्ते में एक तरह का विरोध अवरोध उत्पन्न होता है, उसी अवरोध को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, आर है। तो मान लीजिए अब देखिए रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखते हैं, कि सर्किट में रेसिस्टेंस तो होता है, अब इसका कॉम्बिनेशन क्या है, कितने तरह से ये वर्क करता है। तो सर्किट में दो प्रकार के रेसिस्टेंस कनेक्ट हो सकते हैं, एक होता है सीरीज कनेक्शन, ये क्या होता है सीरीज कनेक्शन, और दूसरा होता है आपका क्या, पैरेलल कनेक्शन। दूसरा क्या होता है बेटा, पैरेलल कनेक्शन। तो अब हम सीरीज कनेक्शन देखते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस है, यहाँ पे मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये क्या है R4 है।
इस तरह के रेसिस्टेंस आपस में क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। मान लीजिए किसी सोर्स से कनेक्ट है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, या टोटल यहाँ भी है, तो यहाँ पे मान लीजिए आई वन करेंट फ्लो हो रही है या आई करेंट फ्लो, समय करेंट समान होगी तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ क्या होगी, यहाँ मान लीजिए वी वन है तो आई इंटू आर वन हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए वी टू है यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इंटू आर टू हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए वी थ्री है तो वी थ्री और क्या हो जाएगा आई इंटू आर थ्री हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए वी फोर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इंटू आर फोर है, ठीक है। तो यहाँ हम किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज वी होगा तो क्या होगा, वो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री और प्लस वी फोर, ये किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग ये टोटल वोल्टेज होगा, ठीक है ना। किरचॉफ्स लॉ हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, सिंपली समझ लीजिए, किसी क्लोज पाथ में वोल्टेज और ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। अगर इसमें बैटरी लगी है तो वोल्टेज और उसके ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। या आप कह सकते हैं किसी क्लोज पाथ में सारे वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम क्यों, क्योंकि जो सर्किट के वोल्टेज को बढ़ाएंगे वो पॉजिटिव में होंगे और जो सर्किट के वोल्टेज को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो वो क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। तो इस प्रकार इसको सब इधर करें अगर तो सब माइनस में तो होंगे ही, बराबर जीरो होगा, तो इसको उधर पढ़ें तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। एक किरचॉफ्स वोल्टेज हम आगे बताएंगे, इसको अच्छे तरीके से बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल की। तो यहाँ से बीच को क्या होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर। तो अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पुट करें तो यहाँ मान लीजिए इनके जगहों पर हम टोटल रेसिस्टेंस आर पुट कर रहे हैं, करेंट तो आई ही फ्लो हो रही है तो आई भी इसी में फ्लो हो जाएगी, तो आई इंटू आर हो जाएगा, यहाँ आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर फोर। तो यहाँ पे हम आई कॉमन ले लेते हैं तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, यहाँ से ये और ये आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तार बार क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। तो ये होता है आपका क्या, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में आप क्या देखेंगे कि रेसिस्टेंस का लास्ट वाला टर्मिनल अगले रेसिस्टेंस के पहले टर्मिनल से कनेक्ट है और उसमें करंट की वैल्यू सेम होगी। तो आप क्या देखेंगे, हर रेसिस्टेंस का लास्ट वाला टर्मिनल अगले रेसिस्टेंस के पहले टर्मिनल से कनेक्ट होगा और उसमें करंट की वैल्यू सेम होगी। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, जब सर्किट सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका यूज होगा कि कौन सा रेसिस्टेंस क्या है सीरीज में है, कौन सा रेसिस्टेंस क्या है पैरेलल में है। तो इस प्रकार सीरीज कनेक्शन की ये पूरा ब्यौरा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आपका सीरीज कनेक्शन हो गया। अब हम दूसरे पर बात करने जा रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन पर। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा वीडियो देखिए क्या है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, तो इस तरह से जब कनेक्शन होगा एक दूसरे के आर पार, रेसिस्टेंस का कनेक्शन किस प्रकार से हो, एक दूसरे के आर पार। ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2, ये मान लीजिए क्या है R3 है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने सर्किट का वोल्टेज दिया प्लस माइनस, ये भी है, या मान लीजिए करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I3। तो इस जंक्शन पे किरचॉफ्स करंट ला लगाएंगे अगर तो हमको मिलेगा क्या, I बराबर क्या I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों, कैसे मिलेगा, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता क्या है, किसी जंक्शन पे आने वाली और आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। यहाँ एल्जेब्रिक सम नहीं लेंगे, एल्जेब्रिक सम कहाँ लेंगे, अगर ये कहा जाए किसी पर्टिकुलर जंक्शन पे समस्त धाराओं का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ मिलने वाली सभी धाराओं हो, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो आने वाली धारा पॉजिटिव और जाने वाली धाराएँ क्या होंगी, निगेटिव। आगे हम बताएँगे आपको यहाँ
घबराने वाली बात नहीं, बराबर जीरो। अभी सारे माइनस उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहाँ आप देखिए टोटल वोल्टेज भी है, यहाँ अगर वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पे आपका, यहाँ भी वोल्टेज भी होगा, यहाँ भी वोल्टेज भी होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज भी होगा, क्योंकि सब पैरेलल में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट होने के कारण वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ अगर आप वोल्टेज करंट की वैल्यू निकालें तो वी अपन आर वन हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो वी अपन आर टू हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे वी अपन आर थ्री हो जाएगा। मान लीजिए इस टोटल के क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस क्या है, आर है, उसमें करंट आई फ्लो होगी। तो यहाँ भी अगर टोटल आई निकालना है तो भी वोल्टेज भी है और टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर वन हो जाएगा। तो यहाँ पर वी अपन आर टू, यहाँ पे भी अपन आर थ्री। तो हम यहाँ पे क्या है, सारे वोल्टेज यहाँ कॉमन ले लीजिए, भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा आपको वन अपन आर इज इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री। इस प्रकार ये पैरेलल कनेक्शन के लिए रेसिस्टेंस का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो आप देखेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में जो ये फार्मूलाज हैं, तो अगर हम इसमें देखिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि कैसे आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें तो आपको, हमको लगता है कि अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं आपके सामने। हाँ, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, या हमारे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहे हैं, या हम वीडियो फास्ट बोल रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में लिखकर हमें दीजिए, हम सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और आपके लिए सब कुछ करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं इसमें खास बात क्या है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में खास बात क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका कि इसमें पावर एडिटिव होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है, पावर एडिटिव होता है। कैसे, अगर हम सीरीज कनेक्शन को देखें, यहाँ सीरीज कनेक्शन को अगर हम देखते हैं थोड़े समय के लिए, तो यहाँ आर टोटल आर बराबर क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आर फोर आर डैश जो भी हो, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ आई स्क्वायर। अगर हम ये कहें कि दोनों साइड से आई स्क्वायर का मल्टीप्लाइंग करें, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ आई स्क्वायर। तो यहाँ पे अब क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर वन, आई स्क्वायर आर वन, आई स्क्वायर आर टू, आई स्क्वायर आर थ्री, आई स्क्वायर आर फोर। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, ये टोटल पावर पी ए पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर। इस प्रकार आपने देखा क्या कि सीरीज कनेक्शन में पावर यहाँ क्या एडिटिव हुआ, यानी कि जितने भी पावर होंगे सारे पावर क्या होंगे, सीरीज कनेक्शन में भी क्या होंगे, एडिटिव होंगे, एडिबल होंगे। अब यहाँ देखिए पैरेलल कनेक्शन में भी यही होता है, आर बराबर क्या होता है, वन अपन वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री। जब यहाँ पे हम भी स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी तो यहाँ भी आपका पावर क्या हो रहा है, एडिटिव हो रहा है, ठीक है ना। इसमें भी पावर क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं, पावर इन एडिटिव नेचर के इसमें भी होते हैं। लेकिन कभी भी कैलकुलेशन करते समय भूल मत कर दीजिएगा, अगर दो पावर इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट हैं, ये मान लीजिए पी वन है, ये पी टू है, तो टोटल पावर आपको कैलकुलेट करना हो तो पैरेलल में पी वन प्लस पी टू हो जाता है। और जब दो पावर सीरीज में हो इस प्रकार से दो पावर सीरीज में हो पी वन और पी टू, तो टोटल पावर वन अपन पी बराबर वन पर पी वन प्लस वन अपन पी टू होता है। इस बात का विशेष ध्यान रहे, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से। देखिए हम आगे के वीडियो में बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं, हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि बल्ब कौन सा बल्ब तेज जलता है, कौन सा बल्ब धीमा जलता है, सीरीज कनेक्शन में कौन सा बल्ब, पैरेलल कनेक्शन में कौन सा बल्ब, घर की वायरिंग पैरेलल में क्यों होती हैं। आगे हम बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। इस प्रकार से हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह ध्यान दीजिए कि वीडियो समाप्त तो हो रहा है, लेकिन आपको यह बात ज़रूर ध्यान देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तभी हमें भी कुछ बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, आपके जितने संबंधित दोस्त होंगे वो सब अच्छे तरीके से इस हमारे वीडियो को लेकर के पढ़ करके समझ सकेंगे, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू।